अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपनी बीमारी की खबरों को फेक न्यूज बताया है। अस्पताल में भर्ती होने और ब्लॉकेज की वजह से एनजीओ प्लास्टिक की खबरों के बीच बिग बी ने कहा कि ये सभी खबरें गलत हैं। इससे पहले सोशल मीडिया पर अमिताभ की बीमारी की खबरों की जैसे बाढ़ सी आ गई। चिंतित फैंस ने उनकी सलामती की दुआएं मांगनी शुरू कर दी। लेकिन शाम को थाने के दादोजी कोंडा देव स्टेडियम में अमिताभ अपने बेटे अभिषेक के साथ इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग का फाइनल मैच देखने पहुंच गए। उसी वक्त जब पत्रकारों ने उनसे सेहत का हाल पूछा तो रुक कर अमिताभ बोले, फेक न्यूज। बीजेपी ने लॉन्च किया चुनावी सॉन्ग मैं मोदी का परिवार हूं। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा, मेरा भारत मेरा परिवार। 3 मिनट से भी लंबे सॉन्ग में 12 भाषाएं, देश के हर कोने की झलक और सरकारी योजनाओं का जिक्र, मोदी की सभाओं और दौरों की झलकियाँ और राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त मजदूरों पर फूल बरसाने का वीडियो भी। पटना में लालू ने बोला था कि मोदी का तो अपना परिवार भी नहीं है। उसी के बाद से बीजेपी ने मोदी का परिवार नाम से कैंपेन लॉन्च कर दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में समन पर हाजिर न होने पर गिरफ्तारी से राहत मिली। केजरीवाल ईडी के समन केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। उन्हें 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई और इस केस में कोर्ट में हाजिर होने से छूट भी मिल गई। ईडी को वो दस्तावेज केजरीवाल से शेयर करने को कोर्ट ने कहा, जिसके आधार पर पूछताछ होगी। ईडी ने कोर्ट में रोना रोया, कहा 8 बार समन भेजे जा चुके हैं लेकिन केजरीवाल पूछताछ के लिए पेश नहीं होते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए, कहा राजनीति में काला धन रोकने के लिए लाए गए थे चुनावी बॉन्ड्स। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान, मगर बॉन्ड्स को खत्म करने के बजाय सुधार किया जा सकता था। शाह ने कहा, ऐसा कहा गया है कि बीजेपी सत्ता में है इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फायदा उसे मिला, लेकिन 20,000 करोड़ के चुनावी बॉन्ड्स में से बीजेपी को 6,000 करोड़ मिले, बाकी चुनावी चंदा कहां गया? तृणमूल कांग्रेस बीआरएस बीजेडी और डीएमके को भी मिले करोड़ों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से ऐन पहले देशवासियों को लिखा लेटर, लोगों को थैंक यू कहा। आपके समर्थन से आर्टिकल 370 से लेकर ट्रिपल तलाक पर लिए बड़े फैसले, जीएसटी लागू किया, संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई, नई संसद का उद्घाटन हुआ। अब विकसित भारत के लिए आपके सुझाव विचार और समर्थन की जरूरत। 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास और समर्थन प्रेरित करता है। परंपरा और आधुनिकता के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है भारत। कनाडा के ओंटारियो में भारतीय परिवार के घर में भयानक आग, घर के 3 सदस्यों की दर्दनाक मौत, पुलिस को हत्या का शक, कहा आग लगाई गई है। ओंटारियो के ब्रैम्पटन शहर में रहती थी कश्मीरी पंडित फैमिली राजीव वारिकू, उनकी पत्नी शिल्पा कोठा और 16 साल की बेटी महक वारिकू। 15 साल से कनाडा में रह रहा था ये परिवार। पड़ोसियों ने बताया खुशमिजाज फैमिली थी। पुलिस ने बताया भयानक आग में पूरा घर खाक, जांच के लिए सबूत तक नहीं मिल पाए। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।